नमस्कार दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उड़द की दाल की। उड़द की दाल जो है वैसे शनि दोषों को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसके अलावा भी उड़द दाल से रिलेटेड उपाय और टोटके हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियों को दूर करने में मददगार होते हैं। वैसे दोस्तों, कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं होता टोटकों का, लेकिन इनमें असर तो होता है, तभी तो ये सदियों से चले आ रहे हैं। दोस्तों, सदियों से जो है हम टोटके व उपाय आजमाते आ रहे हैं और वो वर्क करते हैं। बस इनका वर्क करने के पीछे तीन चीज बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी भी उपाय या टोटकों को आजमाएं, आप उस उपाय को करते वक्त किसी से बात ना करें, और इस उपाय को करने के पहले आप इस बात को किसी से शेयर ना करें, इसे चुपचाप करना होता। और तीसरी चीज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको उस चीज पर विश्वास होना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं है उपाय और टोटकों पर, तो वह असर भी नहीं करेंगे। आप पूरे मन और श्रद्धा से, आस्था के साथ उस टोटके को आजमाएंगे तो वह जरूर काम करेगा। तो चलिए जानते हैं उड़द दाल से जुड़े कुछ अचूक उपाय व टोटके। सबसे पहला जो उपाय है, धन समृद्धि के लिए। अगर धन समृद्धि, अपार धन पाना चाहते हैं, तो ये उपाय आपको शनि अमावस्या, शनि जयंती या किसी भी शुभ मुहूर्त में आप ये कर सकते हैं। इसके लिए आप उड़द की दाल को पिसवा कर रख लें, लगभग 1 किलो उड़द की दाल लें और फिर आप इसको पिसवा कर रख लें, और फिर शनि अमावस्या या शनि जयंती या फिर शनिवार के दिन उसमें से थोड़ा सा जो उड़द दाल का जो आटा है उसको आप लें और उसके 2 बड़े बना लें, और फिर शाम को ठीक सूर्यास्त के समय इन पर शुद्ध दही और सिंदूर लगाएं। इनके बड़े बनाने के बाद में आप इनको शाम के समय दही और सिंदूर लगाएंगे, और फिर उड़द की दाल में कोई भी अन्य दाल आप मिक्स नहीं करेंगे। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, उड़द की दाल का ही आटा आपने यूज करके बड़े बनाने हैं, और फिर दही और सिंदूर लगाना है, और उसके बाद में बड़ों को ले जाकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख कर पीपल को प्रणाम करना है। और दोस्तों, इस उपाय को करते वक्त जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके बाद में आपको सीधे अपने घर की ओर चले आना है, पीछे मुड़कर वापस नहीं देखना है। और रास्ते में भी आपको ये ख्याल रखना है कि आप कहीं रुकेंगे नहीं और किसी से भी बात नहीं करेंगे। और दोस्तों, इस उपाय को आपको 21 शनिवार तक कंटिन्यू करना है। इस उपाय से दोस्तों आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है, और साथ ही अगर कोई आपका काम जो है बन नहीं रहा हो, रुका हुआ हो, तो उस समस्या का भी समाधान होता है और अपार धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। दूसरा उपाय है नए काम में सफलता हासिल करने के लिए। अगर दोस्तों, अगर आपका पहले से कोई फैक्ट्री या व्यवसाय चल रहा है और उसी से रिलेटेड आप दूसरा नया व्यवसाय चालू करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि वह भी सफलतापूर्वक चले, तो इसके लिए करना क्या है, आपको पुराने उद्योग या फैक्ट्री जो चल रही है आपकी, वहां से लोहे का कोई सामान या वस्तु ले आनी, अपने पुरानी फैक्ट्री से या पुराने व्यवसाय स्थल से लोहे की कोई चीज लानी, और उसे नई जगह पे जहाँ पे आप फैक्ट्री या नए ऑफिस या व्यवसाय खोल रही हैं, चालू कर रहे हैं, वहाँ पर उसे ले जाना है, और उस लोहे की चीज़ को रखने के पहले जो उद्योग स्थल है, फैक्ट्री है, वहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाए, उस पर थोड़ी सी काली उड़द डालें और फिर उसके ऊपर वह लोहे की वस्तु रख दें। दोस्तों, इस उपाय से आपका जो नया व्यवसाय या फैक्ट्री है, वह भी पुराने व्यवसाय के समान ही अच्छे से और सफलतापूर्वक चलने लगेगी। अगला उपाय है दुर्भाग्य को दूर करने के लिए। अगर आपका लक साथ नहीं दे रहा, आप कोशिश करते हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आपको शनिवार की शाम को ही उपाय करना है। इसके लिए आपको लेनी है उड़द की, जो साबुत उड़द होती है, उसके 2 दाने, सिर्फ 2 दाने आपको चाहिए, और साथ में चाहिए थोड़ा सा दही और सिंदूर। आप इन्हें लेकर पीपल के पेड़ के पास जाएंगे और शाम के समय, शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के पास में आप 2 दाने उड़द साबुत जो उड़द उसके रखें, उसके ऊपर दही डालें और सिंदूर चढ़ाकर आप अपने दुर्भाग्य को दूर करने की प्रार्थना करें, अपना
पीपल के पेड़ को प्रणाम करें और अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा जो भी आपके मन में है वह कह दें। और दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद में आपको तुरंत आ जाना है अपने घर, वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना है और 21 दिन तक इस उपाय को आपको करना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप गरीबी से परेशान हैं, पैसों की तंगी से परेशान हैं, कमाने के बाद में भी कोशिश करने के बाद में बचत नहीं हो रही, पैसों की हर वक्त परेशानी रह रही है, तो इसके लिए आपको शनिवार के दिन अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में सरसों का तेल रख दें और अगले दिन उस तेल में उड़द की दाल के गुलगुले बनाकर कुत्तों और गरीबों को खिलाएं। इससे दोस्तों गरीबी दूर होती है और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, ये उपाय आप फ्राइडे नाइट को करेंगे। फ्राइडे नाइट को आप तेल जो है अपने पलंग के नीचे रखेंगे और दूसरे दिन सुबह यानी कि शनिवार की सुबह उसके आप गुलगुले बनाएंगे और कुत्तों या फिर गरीबों को खिला देंगे। इससे जो है आपकी आर्थिक परेशानी वो दूर होगी। अगला उपाय दोस्तों इस चीज के लिए है कि कई बार होता है क्या कि कोई भी जादू या टोनों से दुकान को बांध देते हैं, जिससे हमारी कमाई रुक जाती है, काम बंद पड़ जाता है। तो ये किस तरह से जाने कि हमारी दुकान किसी ने बांधी तो नहीं है? इसके लिए करना क्या है आपको, रविवार की शाम को 40 दाने उड़द की दाल के 40 दाने लेकर उन पर 40 बार आपको एक मंत्र पढ़कर दुकान के चारों कोनों में बराबर मात्रा में डाल दें और दूसरे दिन सुबह देखें कि अगर उड़द के दाने साबुत हैं या उनमें कोई भी दाना छिटका हुआ टूटा फूटा नहीं है तो आपकी दुकान बंद ही नहीं है और सुरक्षित है। लेकिन अगर दाने टूटे हुए हैं तो ये टेंशन की बात है, यानी किसी ने इस पे जो है इसको बांधा है मंत्रों से और तंत्रों से। दोस्तों, जो मंत्र है जो आपको बोलना है वो इस प्रकार से है, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी कीके जो माल, भंवर वीर सोखे नहीं जाए। ये मंत्र बोल के आपको दुकान में दाने डालने हैं और फिर आपने देखना है नेक्स्ट डे कि दाने सही सलामत है कि नहीं। और अगर आपको लगता है कि दुकान पे कोई जादू टोना किया गया तो फिर उसका तोड़ के रूप में आप दूसरा उपाय जो अप्लाई करके अपनी दुकान को बुरी नजर से और जादू टोनों से बचा सकते हैं। अगला उपाय है शनि दोषों को दूर करने के लिए। शनि दोष को दूर करने के लिए उड़द की दाल के सिर्फ 4 दाने दोस्तों, सिर्फ 4 दाने आपने लेने हैं और शनिवार की सुबह को सिर के 3 बार उल्टा घुमाकर कौओं को खिला दें। यानी आप अपने हाथ में 4 दाने लीजिए और अपने सर के ऊपर से उल्टा अपने हाथ को घुमाना है, यानी जैसे अपने क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए उसको 3 बार अपने सर के ऊपर से घुमा लेना है 4 दानों को और फिर उसके बाद में उन्हें कौओं को खिला देना है। और दोस्तों, ऐसा लगातार 7 शनिवार तक आपने करना है और इस प्रकार करने से दोस्तों आपके शनि दोष में कमी आएगी। और साथ ही दोस्तों, इसके अलावा आप उड़द की कचौड़ी अगर किसी जरूरतमंद को, किसी लाचार इंसान को खिलाते हैं या सफाई कर्मचारी को खिलाते हैं या उड़द का दान करते हैं तब भी आपके शनि दोष में कमी आएगी। दोस्तों, अंतिम उपाय है सभी समस्याओं के समाधान, या आपकी किसी भी तरह की परेशानी हो उसको दूर करने के लिए आपको करना है कि 1.25 किलो उड़द की दाल लेनी है आपने और उसमें 250 ग्राम काले तिल जो है मिला देने हैं। यानी कि आपने दो चीज लेनी है, 1.25 किलो उड़द की दाल और 250 ग्राम काले तिल, इन दोनों को मिलाकर आपने पिसवा लेना है, उसका आटा बनवा लेना है और फिर उसी आटे से आपको दीपक बनाने हैं। दोस्तों, आपको थोड़ा थोड़ा करके आटा लेना है और उस आटे में दूसरा आटा मिक्स नहीं करना है, सिर्फ उड़द की दाल और काले तिल उसको मिलाकर जो आटा बना है उससे आपको दीपक बनाने और 11 मंगलवार तक बढ़ते हुए क्रम में हनुमान जी को अर्पित करना है। जैसे पहले एक दीपक, दूसरे, फिर तीसरे, इस तरह से करते हुए आपने 11 दिन तक दीपक जलाने और फिर उसके बाद में
फिर घटते क्रम से दीपक जलाने, और दीपक में आपको सिर्फ सरसों का तेल ही इस्तेमाल करना है। दोस्तों इस उपाय को करने से हर तरह की समस्या जो दूर होती है, चाहे आपकी आर्थिक परेशानी हो, व्यवहारिक परेशानी हो, किसी तरह बच्चों को लोगों को टेंशन हो, जो भी समस्या है वो सारी समस्याएं वो हल हो जाएंगी इस आसान से छोटे से उपाय से। दोस्तों कर लीजिए ये उपाय, जो भी समस्या है उसके अकॉर्डिंग आप उपाय कर लीजिए। अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग उपाय मैंने आपको बताए हैं, इनको आजमाइए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स, अपने नियर एंड डियर्स के साथ आप ज़रूर इसको शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी का भला हो जाए। और साथ ही दोस्तों अगर आपने अपना देश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फौरन कर लीजिए, और साथ ही घंटी के बटन को दबाएं ताकि चैनल की लेटेस्ट अपडेट सबसे आप पहले आपको मिले।